हमीरपुर में करीब आधा दर्जन ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से लिखित शिकायती पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत अधिकारी नसीम और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नत्थू सिंह आवास आवंटन में धांधली कर रहे हैं। उन्होंने आवास आवंटन में रिश्वत न देने पर आवंटन सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी ने जाँच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मनोज कुमार। अच्छा, डीएम साहब क्या आप आए हैं? हाँ, किस बात को लेकर आए? ये कॉलोनी के लिए आए थे, नाम काट दिया सचिव साहब ने। हाँ, क्या नाम है सचिव का? उसका है नसीम अहमद। हाँ, क्या कह रहा है? ये कह रहा है बस तुम्हारे पास पक्का मकान है, हमको हमारे पास पक्का है ही नहीं है। हाँ, और पन्नी छाए हैं मकान में। हाँ, बस यही बस पैसे कह रहा है, नहीं 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 देगा पैसे तो हम तुम्हारा नाम काट देंगे। कितने पैसे गिरे? 20-20 हज़ार। 20-20 हज़ार। अच्छा, इसलिए हमको ये पात्र हो तो हमें दिवा दे। हाँ। ना पात्र हो तो बस जो पात नहीं है तो उसको दे रहा है कॉलोनी। हाँ, कौन सा गांव है आपका? नौकरी खेरुआ। नौकरी कहाँ से आए हैं? लोधी की निवास। आज डीएम साहब के आप यहाँ आए हैं? हाँ। किस बात को लेकर आए हैं? हम इस बात को लेकर आए हैं कि हमारे 22 लोगों की कॉलोनी। हाँ। सचिव साहब ने बताओ कि तुम्हारी जो 22 लोगों की कॉलोनी पास हो गई है। हाँ। 500-500 रुपया लई के हल्फनामा नोट की करवाई में वहाँ से हुई। एक ही बात जो है, उन्हें सब प्रधान के बीच में बैठ के वो फार्म सब भर देंगे। भरे के बाद में दूसरे दिन बोले कि हम जाके ब्लॉक में जमा कर देंगे। अब ब्लॉक में जब जमा की नहीं तो 4 लोगों के नाम काट दी। वो हम मांग रहे हैं कि 20-20 हज़ार रुपया भी जमा कर दिया तो तुम्हें कॉलोनी यही नहीं, कॉलोनी के पात्र नहीं होते। हमारे साथ से काब यो है कि अगर हम पात्र हों तो जांच करवा ली जाए, हमें दिन जाए कॉलोनी, अगर पात्र नहीं है तो ना मिले हमें। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब के यहाँ अप्लीकेशन दी नहीं, बैठे मीटिंग में तो पेशकार साहब बैठे, बोले हम थोड़ी देर के बाद मिलवा दीजिए आप, जो आश्वासन हमें मिला।